lots of time. Okay, because in chapter 2, we'll be discussing a matrix and other things. So nevertheless, we'll be starting chapter 2 tomorrow. Okay, right now, I'm just discussing a fast track of chapter 6 at your end. So chapter 6 may we discuss with respect to your HR. In chapter 6, we discuss with from starting point of marketing. First point, marketing process is basically customer ke hisab se delivery karo and second point, communicate with customer continuously. So marketing process involves two objectives. One is satisfying the customer and second is communicating with the customer. Second point, marketing mix kitne honge? Char marketing mix hai. Product kya hai, price kya hai, place kya hai, promotion kya hai. प्राइसिंग में अपने दो चीज पढ़ी थी, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन. प्रमोशन में अपने चार चीज पढ़ी थी, पर्सनल सेलिंग होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, पब्लिसिटी होता है, सेल्स प्रमोशन होता है. एक्सपांडेड एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स भी अपने देखा. तीन चीजें, पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल इविडेंसेस है. ये होने के बाद अपने फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखा. तीन फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, कंट्रोल है. और उसके बाद अपने देखा मार्केटिंग टेक्निक्स कितने हैं. तो मार्केटिंग टेक्निक्स अपने पढ़े थे आठ और नवा और एक नाम बताया था, लिखा नहीं था मैंने. ओके, सबसे पहला सोशल मार्केटिंग, सेकंड है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, तीसरा है डिफरेंशियल मार्केटिंग, चौथा है रिलेशनशिप मार्केटिंग, पांचवा है सर्विस मार्केटिंग, छठा है पर्सन मार्केटिंग, नेक्स्ट पार्ट प्लेस मार्केटिंग एंड लास्ट पॉइंट इज सिंक्रो मार्केटिंग. और इसके साथ अगर आपको याद है तो एग्जांपल मैंने और एक दिया था, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन मार्केटिंग. ओके, एचयूएल के बारे में मैंने आपको बताया था. ये होने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपने डिस्कस की. फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में हाउ मेनी एरियाज वी शुड फोकस ऑन, तो वी फोकस ऑन फोर एरियाज. पहला कैप्चरिंग फंड्स यानी सोर्सेज ऑफ फंड. सेकंड पॉइंट प्रिपेयरिंग द बजट्स, कहां पर खर्चा करना है. थर्ड यूटिलाइजिंग दैट फंड्स, ओके मैनेजिंग दैट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. एंड लास्ट पॉइंट इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस. एंड इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस आपको याद है तो तीन मेथड अपने किए हुए हैं. पहला पॉइंट था नेटवर्थ मेथड, सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड एंड थर्ड पॉइंट मार्केट प्राइस मेथड. ओके, उसके बाद अपने देखा प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में क्या क्या एरियाज या क्या क्या एक्टिविटीज होंगी. तो अपने चार चीजें पढ़ी. सबसे पहले मेरा प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है. ओके, वो प्रोडक्शन सिस्टम में प्लानिंग कैसे करो, कंट्रोल कैसे करो, जिसमें इन्वेंटरी के बारे में समझाया था. तीसरा इसमें लॉजिस्टिक कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग, आउटबाउंड भी इनबाउंड भी. और चौथा पॉइंट आरएनडी हम लोग कैसे फोकस कर रहे हैं. ये होने के बाद मैंने आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझाया. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने आपको टोटल छह चीजें समझाई. सबसे पहले तो प्रोक्योर करेगा, प्रोक्योर करने के बाद मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये होने के बाद ये तीसरा होने के बाद ये चौथी चीज, ये तीनों में से कुछ भी चीज आउटसोर्स कर सकते हैं. चौथा पॉइंट आउटसोर्सिंग. पांचवा पॉइंट कस्टमर सर्विस सपोर्ट देना जरूरी है. लास्ट पॉइंट प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मार्केटिंग करना जरूरी है. तो प्रोडक्ट मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड. एवरीडे क्लियर. ये होने के बाद अपन ने और एक देखा था आरएनडी. आरएनडी में मैंने आपको बताया था व्हाट आर द अप्रोचेस. तो थ्री अप्रोचेस आते हैं, आइदर कुछ नया मार्केट प्रोडक्ट निकालू और मार्केट में हवा करूं, दूसरा पॉइंट किसी को इमिटेट करूं और दिमाग फोड़ी नहीं करूं, और तीसरा पॉइंट इमिटेट तो करना ही करना है लेकिन मास प्रोडक्शन करके कॉस्ट की माप नहीं करनी है, सॉरी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम कम करना है. ओके, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, सॉरी मालिक, ओके थोड़ा गाही गाही में निकल गया. कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम कम कर देना है, यानी कॉस्ट को एकदम पूरा वाट लगा देना मार्केट का. ओके, तो कॉन्सेप्चुअली अप्रोचेस फॉर इंप्लीमेंटिंग आरएनडी स्ट्रेटजी. एवरी क्लियर मालिक. और ये होने के बाद हमारे पास गाइडलाइंस क्या है. तो गाइडलाइंस चार गाइडलाइंस पढ़ते हैं. टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ तोड़ है, सॉरी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कम है, मार्केट ग्रोथ कम है, तो इसमें आपने क्या करना, इन हाउस बनाना. टेक्नोलॉजी ग्रोथ एकदम कम है, मार्केट ग्रोथ हाई है, मार्केट पर ध्यान दो. टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हाई है, मार्केट ग्रोथ कम है, ओके यहां पर इमिटेट करो. और चौथा पॉइंट दोनों तोड़ है, ओके मास प्रोडक्शन करो, लो कॉस्ट करो, अल्टीमेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज लेना तो ले लो, दिमाग फोड़ी मत करो, बट इनहाउस मत करो. और ये होने के बाद अपने देखा था एचआर केस में. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग एम्प्लॉई कॉम्पिटेंस. तो तेरे चार फैक्टर्स थे, रिक्रूट करना और सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना और कंपनसेशन देना. दूसरा पॉइंट, एचआर स्ट्रेटजी में कौन से एरियाज ध्यान में रखने हैं. तीन एरियाज है, प्री सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस. एंड लास्ट पॉइंट, एक्टिविटीज एचआर मैनेजर कौन से करेगा. तो सबसे पहला वो डायरेक्शन देगा, सेकंड कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट तैयार करेगा, चेंज हुआ तो ध्यान रखेगा, डायवर्शन ऑफ वर्कफोर्स करेगा, एम्पावरमेंट ऑफ एचआर करेगा, एंड लास्ट पॉइंट कोर कॉम्पिटेंस को बढ़ाएगा. मालिक एवरी क्लियर. That's it. That is your chapter 6 to be remembered. Okay, next we'll start chapter 2. Okay, and that will start tomorrow. Take care, man.